Division 3, Chapter 7, Housing and Clothing. As all of you know that we all need a house to live in as it protects us from heat, cold, rain, wind, harsh weather, wild animals and trees. हम सभी को घर की आवश्यकता होती है टू लिव रहने के लिए, क्योंकि जो हाउस होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, हीट से, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से एंड हॉट वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. अ हाउस इज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वेयर वी लिव. एक जो घर होता है वो बनाया जाता है किसके अकॉर्डिंग, क्लाइमेट, किस जहाँ पे भी हम रहते हैं उस क्षेत्र की जलवायु के अकॉर्डिंग वो एक घर को बिल्डअप करते हैं. टाइप्स ऑफ हाउसेज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर दे आर बिल्ट एंड द मटेरियल यूज टू बिल्ड देम. अलग अलग टाइप के हाउस होते हैं जो एक स्थान के ऊपर डिपेंड करते हैं और कौन सा मटेरियल उनमें यूज हुआ है. इन प्लेसेस गांव में मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, स्टोन, स्टिक, स्ट्रॉ एंड पाउडर. गांव में जो हाउसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कच्चे हाउसेस होते हैं जो स्टोन के बने होते हैं, स्ट्रॉ के, पाउडर के एंड स्टिक्स के. दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड नीड रिपेयर ऑफर. वो इतने मजबूत भी नहीं होते और उनमें रिपेयरमेंट की आवश्यकता रहती है. पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस, दे आर फाउंड मोस्टली इन सिटीज. पक्का हाउसेस जो होते हैं वो सिटीज में पाए जाते हैं. हाउसेस इन सिटीज इज ऑफ मेनी टाइप्स. जो शहरों में घर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. दे मे बी ह्यूज सिंगल स्टोर एंड लॉन एंड गार्डन नोन एज बंगलोज और देयर मे बी अ सिमिलर टाइप्स ऑफ हाउसेस ऑन दी डिफरेंट फ्लोर ऑफ टॉल बिल्डिंग नोन एज फ्लैट. अलग अलग टाइप के घर होते हैं, कुछ बंगलो टाइप के होते हैं, कुछ लॉन टाइप के होते हैं, गार्डन टाइप्स के होते हैं एंड कुछ टॉल बिल्डिंग्स होती हैं जिनको हम लोग फ्लैट्स कहते हैं. देयर आर सम वेरी टॉल एंड हाई राइज बिल्डिंग्स नोन एज स्काई स्क्रैपर्स. दे हैव लिफ्ट्स फॉर पीपल टू गो अप एंड डाउन. बहुत सी बड़ी बड़ी कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ऊंची होती हैं, जिनको स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं, जिनमें पीपल ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का यूज करते हैं. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस. एक अच्छे घर की क्या विशेषताएं होती हैं. ए हाउस में भी या कच्चा और पक्का, बिग और स्मॉल, सिंगल स्टोर और मल्टी स्टोर, अ गुड हाउस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर. चाहे घर कच्चा हो या पक्का हो, छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक घर की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं. इट शुड बी वेल लिट एंड हैव एनफ डोर्स एंड विंडोज टू लेट द सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन. ये सही से बिल्डअप होना चाहिए, इसमें इनफ पर्याप्त दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए जिससे कि जो सनलाइट है और जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ सके. द सनलाइट कीप्स द हाउसेस फ्री फ्रॉम जर्म्स. जो सूर्य का प्रकाश होता है वो जर्म्स को घर से दूर रखने में हेल्प करता है. अ गुड हाउस शुड हैव अ हाई रूफ. एक अच्छे घर की ऊंची छत होती है. इट कीप्स द हाउस कूल. ये घर को कूल रखने में हेल्प करती है. बिसाइड डोर एंड विंडोज अ गुड हाउस शुड ऑल्सो हैव ओपन स्पेस कॉल्ड बरांडास. दरवाजे और खिड़कियों के पीछे एक अच्छे घर में क्या होता है, एक ओपन स्पेस होता है जिसको बरांडास कहते हैं. बालकनीज एंड कोर्ट यार्ड आंगन कहते हैं जिसको. टू लेट द फ्रेश एयर इन जिससे कि ताजी हवा अंदर आ सके. इट शुड बी क्लीन डेली एज अ क्लीन हाउस हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. इसको रोज साफ करना चाहिए ताकि जो क्लीन एयर है वो अंदर आ सके और हम सभी हेल्दी रह सकें. इट शुड हैव आयरन ग्रिल्स ऑन द विंडोज टू कीप थीव्स एंड एनिमल्स आउट. और इसमें क्या होना चाहिए, आयरन ग्रिल्स होनी चाहिए खिड़कियों के ऊपर जिससे कि जो थीव्स हैं, चोर और जो भी जानवर हैं वो बाहर ही रह सकें. बायर्स मैसेज ऑन द विंडोज एंड डोर्स कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटो आइज. जो बायर्स मैसेज होते हैं वो दरवाजे और खिड़कियों पर जो लगाए जाते हैं वो फ्लाइज को, मक्खियों को और मच्छरों को बाहर रखते हैं. अ गुड हाउस शुड ऑल्सो हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे द डर्टी वाटर. द ड्रेन शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट रैट्स एंड कॉकरोचेस फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. एक अच्छे घर में एक गुड ड्रेनेज सिस्टम होता है जिससे कि जो डर्टी वाटर है वो कैरी अवे हो सके. जो ड्रेन होता है वो क्या करते हैं, वो रैट एंड कॉकरोचेस को घर में एंटर करने से प्रिवेंट करते हैं. एंड नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ द हाउस. घर की देखभाल करना. लिविंग इन अ डर्टी हाउस कैन मेक अस सिक एंड अनहेल्दी. एक गंदे घर में रहने से क्या होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं और अनहेल्दी अस्वस्थ रह सकते हैं. वी कैन कीप अवर हाउस क्लीन इन द फॉलोइंग वेज. हम इन कुछ तरीकों से अपने घर को क्लीन रख सकते हैं. जस्ट लाइक ऑल हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन. सभी जो घर का कचरा है उसको हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए. द डस्टबिन शुड बी कैप्ट कवर्ड. जो डस्टबिन है उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए. वन शुड नॉट थ्रो द गार्बेज इन द ओपन एज इट कैन स्प्रेड जर्म्स एंड डिजीजेस. किसी को भी जो गार्बेज है उसको ओपन में ओपनली स्पेस में नहीं थ्रो करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, जर्म्स और डिजीजेज स्प्रेड हो सकती हैं. एवरीथिंग इन द हाउस मस्ट बी रेगुलरली डस्टेड. जो भी घर में जो कुछ भी रखा हुआ है उसको रेगुलरली नियमित रूप से साफ करना चाहिए. द फ्लोर शुड बी क्लीन एंड मोप्ड डेली. फिनाइल और लाइजोल और नीम लीव्स शुड बी यूज्ड टू मोप द फ्लोर. फर्श को फिनाइल, लाइजोल या नीम लीव से उसको साफ करना चाहिए. बाथरूम्स एंड
प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. दिस मेक द हाउस लुक नीट एंड टिडी. ये क्या करता है, ये घर को साफ सुथरा दिखने में हेल्प करता है. वी कैन यूज एयर फ्रेशनर टू कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश. हमें एयर फ्रेशनर का यूज करना चाहिए जिससे कि हम हवा को क्लीन और फ्रेश रख सकें. क्लॉथ्स, वी वियर क्लॉथ्स टू लुक स्मार्ट एंड ग्रेसफुल. हम कपड़ों को पहनते हैं जिससे कि हम स्मार्ट दिख सकें एंड ग्रेसफुल दिख सकें. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड रेन एंड इंसेक्ट बाइट. जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें डस्ट से, धूल मिट्टी से, गर्मी से, सर्दी से, रेन से एंड इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं. फाइबर, ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर. सभी प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो फाइबर से बने हुए होते हैं. देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड मेड मेड. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, वूल, जूट. फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, वूल, जूट. इसी नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल एक्सेट्रा. फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स सच एज कॉटन, जूट आर प्लांट फाइबर. और जो फाइबर हमें प्लांट्स से मिलते हैं उनको हम लोग कॉटन एंड जूट कहते हैं, और जो हमें एनिमल से मिलते हैं उनको हम लोग एनिमल फाइबर कहते हैं, जस्ट लाइक वूल एंड सिल्क. ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब हम कंप्लीट करेंगे. And in your homework, read chapter 7.